नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पियानो हारमोनियम प्रताप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में गदर मूवी का बड़ा ही फेमस सॉन्ग है, फिर से एक बार वो उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में फट जाते हैं। आज इस सॉन्ग को हम नोटेशन के साथ बजाना सीखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आइए दोस्तों, और देर न लगाते हुए हम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस सॉन्ग की ओरिजिनल स्केल की। दोस्तों, इस सॉन्ग की ओरिजिनल स्केल है डी माइनर, लेकिन हम इस सॉन्ग को डी माइनर से ना सीख के ई शार्प यानी पहले काले से बजाना सीखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये स्केल याद नहीं होती है और पहला काला एक सामान्य स्केल है जहाँ से लोगों को बजाने में थोड़ी आसानी होती है। वैसे भी दोस्तों, मैं इस पूरे सॉन्ग को नोटेशन के साथ सिखाऊंगा, तो आप किसी भी स्केल में, जिस स्केल में आप गाते हैं वहाँ से आप इसको बजा सकते हैं। सबसे पहले सीखते हैं हम दोस्तों इस सॉन्ग का स्थाई, और स्थाई में सबसे पहली लाइन आती है फिर से एक बार वो उजड़ जाते हैं। तो पहले इस लाइन को हम बजा कर देख लेते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ईजी है। सबसे पहला शब्द है फिर से, फिर से के लिए दो बार पापा, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा एक, एक के लिए कोमल धा और फा, उसके बाद फिर से आएगा बार, बार के लिए दो बार पापा, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा उजड़, उजड़ के लिए पा कोमल गा और रे, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा जाते हैं, जाते हैं के लिए, जाते हैं के लिए मा रे सा रे नी। एक बार फिर से देखेंगे, जाते हैं मा रे सा रे नी। इसके बाद आती है दोस्तों इस सॉन्ग की सेकंड लाइन, जिसके बोल हैं चल तेरे इश्क में फट जाते हैं। तो इस लाइन को पहले हम बजा कर देखते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ईजी है। सबसे पहला शब्द है छल, छल के लिए एक बार सा, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा थेरे, थेरे के लिए सा रे, ठीक है, उसके बाद शब्द आएगा इश्क में, इश्क में के लिए कोमल गा पा और मा, उसके बाद शब्द आएगा पढ़, पढ़ के लिए रे और कोमल नी, उसके बाद शब्द आएगा जाते हैं, जाते हैं के लिए रे गा रे सा, ठीक है। हमने दोस्तों ये जो दो लाइनें अभी सीखी हैं, ये दोनों की दोनों लाइन सॉन्ग में दो बार रिपीट हुई हैं, तो इन दोनों लाइनों को आप दो बार बजा देंगे तो आपका स्थाई कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगा दोस्तों हमारा इस सॉन्ग का अंतरा, जिसके बोल हैं मेरे दिल ने दिया जो मुझे मर्तबा। तो पहले इस लाइन को हम बजा कर देखते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ईजी है। सबसे पहला शब्द है मेरे, मेरे के लिए सा रे, उसके बाद शब्द आएगा धिलने, धिलने के लिए नी और रे, उसके बाद शब्द आएगा दिया, दिया के लिए दो बार रे, रे। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा जो, जो के लिए एक बार सा, उसके बाद शब्द आएगा तुझे, तुझे के लिए, तुझे के लिए रे मा गा, और लास्ट में शब्द आएगा मर्तबा। तो मर्तबा के लिए, मर्तबा के लिए गा मा रे सा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अंतरे की नेक्स्ट
लाइन आएगी जिसके बोल हैं, जानू मैं या तो फिर जाने मेरा खुदा। तो इस लाइन को भी पहले हम बजा कर देखते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ही जी है। सबसे पहला शब्द है जानू मैं, जानू मैं के लिए सा रे नी। उसके बाद शब्द आएगा या तो के लिए दो बार रे रे। उसके बाद शब्द आएगा फिर के लिए एक बार रे। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा जाने, जाने के लिए सा रे। उसके बाद शब्द आएगा मेरा, मेरा के लिए माँ और दो बार गा। और लास्ट में शब्द आएगा खुदा, खुदा के लिए माँ रे सा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपकी सेकंड लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों, जो हमने पहली लाइन सीखी है और जो सेकंड लाइन सीखी है, दोनों लाइन अंतरे में दो बार हिले हुई हैं, तो आप दो बार यही दोनों लाइनों को रिपीट कर देंगे तो दोनों लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लाइन आती है, फेरी और सनम अब ये मेरे कदम। तो इस लाइन को पहले हम बजा कर देख लेते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ईजी है। सबसे पहला शब्द है थेरी, थेरी के लिए कोमल गा और माँ। उसके बाद शब्द आएगा और के लिए कोमल धा और दो बार फा। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा सनम, सनम के लिए पा माँ और कोमल गा। उसके बाद शब्द आएगा अब ये के लिए कोमल गा और माँ। उसके बाद शब्द आएगा मेरे, मेरे के लिए एक बार माँ दो बार पा। और उसके बाद शब्द आएगा कदम, कदम के लिए धा और पा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लाइन आती है जिसके बोल हैं बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों ये जो इससे पहले जो लाइन हमने सीखी है उसी लाइन का एक हिस्सा है जो बचा हुआ है। बोल हैं बढ़ना चाहते हैं, तो पहले बजा लेते हैं फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ही जी है। सबसे पहला शब्द है बढ़ना, बढ़ना के लिए गा रे, कोमल गा और रे है। ठीक है, उसके बाद शब्द आएगा चाहते हैं, चाहते हैं के लिए माँ पा कोमल गा रे सा रे नी। एक बार फिर से देखिए, तो माँ पा कोमल गा रे सा रे नी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो अंतरा है वो कंप्लीट हो जाएगा, और अंतरा कंप्लीट होते ही आपका जो स्थाई है वो फिर से रिपीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ आपका वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो में लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको कोई सॉन्ग या भजन सीखना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं, मैं आपको सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।